नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई वीआई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, वीआई की तो अपडेट आपको पता ही है, जो भी आती है अच्छी आती है, सिर्फ वर्क परमिट वीज़ा को छोड़ के। जी हाँ, आज हम एक अच्छी टॉपिक पे बात करेंगे। जो टैक्सी मालिक हैं वीआई में, जो टैक्सी का जॉब कर रहे हैं, टैक्सी मालिकों की बात करेंगे, टैक्सी ड्राइवरों की बात नहीं करेंगे, जो जॉब कर रहे हैं उनकी बात नहीं करेंगे भाई, जो टैक्सी के मालिक हैं, जी हाँ उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको वीआई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बता दूं भाई, वीआई सरकार जो शेख मोहम्मद हैं उन्होंने एक घोषणा करी है कि जो टैक्सी नंबर जो प्लेटों के जो मालिक हैं उनको बोनस दिया जाएगा। जी हाँ, वीआई के जो उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है, नाम तो बड़ा काफ़ी लंबा है भाई उनका, उन्होंने रमज़ान के पाक महीने में ये घोषणा की है भाई। अच्छी बात यह है क्योंकि ये जो टैक्सी वाला है ना, इनका सबसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है क्योंकि उनका खर्चा तो वही लग रहा है टैक्सी का, मतलब ईएमआई आना, इंस्टॉलमेंट आना, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है। तो इस वजह से उनको बोनस देने की घोषणा की गई है। जी हाँ, आरटीए ने भी रमजान में बता दूं 2833 टैक्सी हैं वीआई में, दुबई में, उनको टैक्सी मालिकों को बोनस देने की घोषणा की है। ये बोनस कौन सा रहेगा, 2020 का बोनस शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, वार्षिक बकाए के अतिरिक्त है, ये इस साल का अतिरिक्त है, 2020 का बोनस अभी मिल जाएगा। ये फायदा टैक्सी ड्राइवरों को मिलने वाला है। वीआई में जो लोग हैं, जो इंडियन भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जो टैक्सी लेके खुद की टैक्सी से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भाई अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तानी ड्राइवर तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वीआई में हैं, तो आपको 2833 टैक्सी ड्राइवर ऐसी हैं उनको बोनस मिलेगा, ये अच्छी न्यूज़ है। रमज़ान के पाक महीने में आपको जितना भी, उस हिसाब से जितना भी गवर्नमेंट कितना देगी ये तो हमें नहीं इसकी जानकारी है, लेकिन जो भी आपका बोनस है वो आपको 2020 का बोनस शुरू कर दिया गया है। 2021 अप्रैल की बात करें तो रमज़ान के पाक महीने में आप सबको मिल जाएगा, एक अच्छी न्यूज़ है। उसमें कुछ हद तक आपको बेनिफिट रहेगा।